है मतलब कोई पता नहीं कैसे हुआ था भैया। रोडवेज बेकार हो गई, रोड पे नीचे घर बैठे थे, पीछे से कैंट्रा वाले ने ऐसा दिया, पता नहीं धुआं था उड़ा वाले निकले। कौन कितने लोग थे बस में? बस में कितने लोग थे? बस में नहीं थे, बस के नीचे थे कम से कम 25-30 लड़के, फैमिली फैमिली था। उसके बाद कैंट्रा वाले ने वो भी कंडक्टर नहीं था, कंडक्टर वो गाड़ी के आगे खड़ा था, उसका भी पता नहीं क्या चलाया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये वो है मोहनपुरा से नोएडा जा रहे थे। ये भी ठीक है, वाली बस थी थाना क्षेत्र में एक्सीडेंट हुआ है जिसमें काफी कैजुअलिटी बताई जा रही है, क्या है पूरा? ये बॉर्डर पे है, बुलंदशहर और अलीगढ़ के बॉर्डर पे है। एक रोडवेज की बस खड़ी थी, उसके पीछे से ट्रक की टक्कर मारा है, इसमें से मौके पे 5 लोगों की मृत्यु हुई है और करीब 8 लोग या 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 4 हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए हैं, यहाँ पे रूपाल सिंह में, बाकी 4 बताए गए हैं बुलंदशहर शिफ्ट हो गए हैं। सबको अब बुलंदशहर भी SSP से बात हो गई है, वो भी अपने यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो लोग आए हैं उनकी सारी व्यवस्था हो गई है, यहाँ इलाज के लिए कोई कठिनाई नहीं है।